नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बरगद एक महा औषधि है एवं इसके अनेक रोगनाशक गुण हैं, जो आयुर्वेदिक में विस्तार से वर्णन किए गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसके कुछ खास शक्तिवर्धक प्रयोग बता रहे हैं, जो बहुत ही लाभकारी है। वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही अद्भुत परम शक्तिदायक चूर्ण के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। यह बरगद का वृक्ष भारत में लगभग सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। बरगद के वृक्ष की आयु बहुत ही अधिक होती है तथा हजारों साल पुराने वृक्ष भी आज देखे जा सकते हैं। इस पर इस तरह के फल लगते हैं जो अनेक रोगनाशक और शक्तिवर्धक गुण रखते हैं। जब इसके पत्तों को सुबह के समय तोड़ा जाता है तो इसमें अधिक मात्रा में सफेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध को लोग सुबह सुबह बतैशा में कुछ बूंद टपकाकर सेवन करते हैं, तो बहुत ही शक्तिवर्धक प्रयोग होता है। बरगद को बट, रक्तफल, बगोड़ा, बरो, बोट, परेल, बड़ आदि नाम से भी जाना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। आयुर्वेदिक के मत के अनुसार बरगद कफ पित्त शामक, वेदना स्थापक, वर्ण रोपक, रक्त शोधक, शोधहर, रक्त पित्त हर, शुक्र स्तंभक, गर्भाशय शोधक, बल कारक, शीतल, कषाय तथा रुक्ष होता है। इसके फल शीतल, बलवर्धक एवं शुक्रवर्धक होते हैं, इसलिए इनके फलों का इस्तेमाल शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग, और आज हम आपको सिर्फ इसके शक्तिवर्धक प्रयोग बताएंगे। यदि आप बहुत ही कमजोर हैं, अत्यधिक दुबले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं या अपनी मानसिक एवं शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सरल प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। बरगद के फलों को छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें और फिर अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, गोखरू चूर्ण, बिदारी चूर्ण और बिधारा चूर्ण, ये सभी आपको पंसारी के यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। बरगद के फल भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे। इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर, यानी कि 50-50 ग्राम लेकर कूट पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें उतनी ही मात्रा में पिसी हुई मिश्री मिला दें और इसको एक डब्बे में भरकर रख लें और रोज सुबह 1-2 चम्मच या फिर 1-10 ग्राम की मात्रा या फिर अपने बला वाला अनुसार दूध या पानी के साथ सेवन करें। यह सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है, शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बनाता है तथा यौन रोग को दूर करता है। यह प्रयोग महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं और यह दोनों को ही शक्ति देता है। इसके बाद इसका एक और प्रयोग है जो थोड़ा सरल है, लेकिन यह भी बहुत ही लाभकारी है और समान गुण धर्म रखता है। बरगद के सूखे हुए फलों को लेकर चूर्ण बना लें लगभग 200 ग्राम, उसमें 100 ग्राम शतावरी चूर्ण और 50 ग्राम त्रिफला का चूर्ण, इन सभी को मिलाकर बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें और सुरक्षित एयरटाइट ढक्कन लगाकर बाटल में भरकर रख लें। इस चूर्ण को आप सुबह शाम 3-10 ग्राम की मात्रा या फिर अपने बला वाला अनुसार जितना आप हजम कर सकें दूध या पानी के साथ सेवन करें। यह प्रयोग आप 12 महीने कर सकते हैं और अत्यंत ही शक्तिवर्धक प्रयोग है। यह स्वप्न दोष, वीर्य का पतलापन, कमजोरी, चक्कर आना, दुबलापन आदि को दूर करता है। यह सभी प्रयोग एक से बढ़कर एक हैं और आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह सभी लाभकारी हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रयोग है बहुत ही साधारण प्रयोग है, इसके लिए आपको सिर्फ बरगद के फल चाहिए। बरगद के फलों को सुखा कर चूर्ण बना लें और उसमें बराबर मिश्री मिलाकर रख लें 3-5 ग्राम की मात्रा, 1-2 चम्मच रोज सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते रहने से शरीर में दिव्य शक्ति आती है, कमजोरी दूर भाग जाती है और दुबला पतला शरीर मोटा होने लगता है। बहुत ही साधारण प्रयोग है और कोई भी कर सकता है, फ्री का प्रयोग है। अब हम आपको एक परम शक्तिदायक योग बताने वाले हैं। यह अद्भुत योग इतना शक्तिशाली है कि इसके सेवन करने से सफेद बाल पुनः काले होने लगते हैं, बालों का झड़ना, चेहरे की झुर्रियां, कमजोरी आदि दूर होती हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से बनाना है और कैसे सेवन करना है, चलिए समझते हैं। बरगद के सूखे हुए फलों का चूर्ण 100 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम बारीक पिसे हुए, भृंगराज का चूर्ण 100 ग्राम, पिसी हुई मिश्री 50 ग्राम, शहद 200 ग्राम, गाय का घी 50 ग्राम और त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम, इन सभी को आपस में मिला लें और अच्छी तरह मिक्स करके किसी कांच की बाटल में भरकर रख लें तो आपका चूर्ण तैयार हो जाएगा।
यह चूर्ण परम शक्तिदायक चूर्ण है जो सभी प्रकार की कमजोरी, स्वप्न दोष, धात रोग, प्रमेह आदि को दूर करता है एवं शरीर के वजन को बढ़ाता है। बालों का झड़ना, सफेद होना आदि रुक जाता है। यह स्त्री पुरुष दोनों में समान उपयोगी है। दुर्लभता दूर होकर शरीर में शक्ति आती है और वजन बढ़ने लगता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है एवं लीवर की सभी समस्याओं को दूर भी करता है। इसके अनगिनत औषधीय लाभ हैं, जिसका लाभ लेकर आप अपने शरीर की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आँखों की दृष्टि तेज हो जाती है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यदि हमारे द्वारा बताई गई किसी भी प्रकार की औषधि यदि आपको उपलब्ध नहीं होती है तो आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या विचार है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।